सो आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। लास्ट क्लास में हमने बेटा बात की थी गैस लॉस की, हमने दो गैस लॉस कर लिए थे। ऑल राइट, तो अभी हम नेक्स्ट लॉस पे जाने वाले हैं, बट बिफोर दैट प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज वेद साइंस फाउंडेशन। सारे इम्पोर्टेंट अपडेट्स और जो क्लासेस ये थोड़े दिनों में वेद साइंस फाउंडेशन पे शिफ्ट हो जाएगी, जो कि स्पेशली डेडिकेटेड चैनल है NTSC, NSGS, इन सबकी ओलम्पियाड्स की GS, इन सबकी ओलम्पियाड्स की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप कोई भी ओलम्पियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल वेद साइंस फाउंडेशन। जो चैनल है, जो यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा है, इसी लोगो से मिलेगा आपको, और वो सब्सक्राइब करके रखिए। जल्द ही ये सारी क्लासेस आपकी वहां शिफ्ट होने वाली है। ऑल राइट, ये केम एकेडमी के फीचर्ड चैनल में भी आपको मिल जाएगा, या फिर वेद साइंस जाके देखेंगे वहां पे, उसके भी चैनल्स में ये आपको मिल जाएगा। ऑल राइट, तो ये है हमारा वेद साइंस फाउंडेशन, जिसमें हम क्या क्या करेंगे, हमेशा ये जो लाइव क्लासेस अभी हो रही है, ऐसे लाइव क्लासेस होंगी, टॉपिक वाइज होंगी, आपको पूरा चैप्टर कराया जाएगा। कोई भी टॉपिक इस तरीके से नहीं रखा जाएगा कि रैंडम टॉपिक्स हैं आपके पास, ऐसा कुछ भी नहीं होगा वहां। यहाँ पे हम जो करेंगे वेद साइंस फाउंडेशन पे सारे के सच में। ऑलराइट, तो आप लेक्चर से अपडेटेड रहे बिल्कुल, और जिस सीक्वेंस में हम ये लेक्चर्स करा रहे हैं उसी सीक्वेंस में करें, क्योंकि जिस तरीके से बाहर लॉकडाउन है और स्कूल्स वगैरह सब क्लोज्ड हैं, तो इस सिचुएशन में आपके लिए अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है कि आपके यहाँ पे जो चीजें हैं, जो तैयारी है, वो रेगुलर चलनी चाहिए। तैयारी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो तैयारी प्लीज करते रहे आप, किसकी, NTSC, NSGS, आप जो भी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको ओलंपियाड की इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी कोई नोटिफिकेशन चाहिए, तो भी आप जाके वेद साइंस फाउंडेशन पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? और अभी बोर्ड की नोटिफिकेशन आई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, आपको जल्द ही वो अवेलेबल हो जाएगी वहां पे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक पे, दैट इज गैस लॉस, जो हमने स्टार्ट बिहेव करती है, उनकी जो स्टडी है, उनके जो स्टडी करके जो लॉज आए थे, जो उनका बिहेवियर आया था, वो अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, वहां से हमने गैस लॉज का नाम दिया इनको। अगर कोई भी गैस सारे लॉज को फॉलो करती है, देन इट इज कॉल्ड आइडियल गैस। आइडियल गैस बोलते हैं उसको, बट एक्चुअल में हर गैस इतना फॉलो नहीं करती, वे जस्ट कंसिडर कि ऐसा होता है। तो ऐसे ही गैस लॉज थे, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग बिहेवियर सर्च किए, बिहेवियर ऑब्जर्व किए थे, और उनके ऊपर लॉज बनाई थी। वो बिहेवियर किस चीज के ऊपर बेस्ड थे बेटा? मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। गैसेस की कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, उन मेजरेबल प्रॉपर्टीज को अगर ऑल्टर करते हैं तो गैसेस का बिहेवियर भी चेंज होता है। व्हाट आर दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज? दीज प्रॉपर्टीज आर, फर्स्ट इज मास। ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, आपको गैस लॉज लेक्चर 1 नाम से मिल जाएगा। ऑल राइट, तो लेक्चर 1 में ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, जस्ट लाइक मेजरेबल प्रॉपर्टी फॉर गैसेस आर मास। ऑल राइट, कि गैस का मास कितना है, एंड देन मोल्स, वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द मोल्स बाय डिवाइडिंग द मास ऑफ गैस टू इट्स मॉलिकुलर मास। ऑल राइट, तो मोल्स आर ऑल्सो मेजरेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी गैस। सेकेंड मेजरेबल प्रॉपर्टी वॉज वॉल्यूम, वी कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड। ऑल राइट, सो यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम्स आर लीटर, लीटर, ML, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। ऑल राइट, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये सारी जो है गैसेस के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। दीज यूनिट्स आर इंटरचेंज्ड बाय दिस रिलेशन। ऑल राइट, और जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, यूजुअली दीज आर नॉट अ टफ न्यूमेरिकल काइंड ऑफ थिंग। इसमें क्या है, सिर्फ यूनिट्स का ही चक्कर होता है, आपको यूनिट एक्सचेंज करने आने चाहिए। ऑल राइट, यूनिट्स हमेशा ध्यान में रखने हैं अगर आपको गैस लॉज का कोई भी जो है क्वेश्चन करना है। थर्ड मेजरेबल, गैसेस प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। गैसेस एग्जर्ट प्रेशर, हाउ डू दे एग्जर्ट प्रेशर? ऑल राइट, तो कैसे करती है? व्हेन गैसियस पार्टिकल आर इन मोशन, दे स्ट्राइक टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, एंड दैट फोर्स दैट दे अप्लाई ऑन द वॉल ऑफ एनी कंटेनर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। सो दैट प्रेशर इज मेजर्ड इन मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड एटमोसफियर काइंड ऑफ यूनिट्स, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू, सो यू कैन सी हियर, पास्कल जो है वो है SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, और यू कैन से किलो पास्कल। देन जनरल यूनिट इज ATM, 1 atmosphere, इट इज इक्वल टू 76 mm ऑफ HG, इट इज द मर्क्यूरी लेवल इन मैनोमीटर, बिकॉज द गैस इज मेजर, सो प्रेशर ऑफ गैस इज मेजर्ड इन मैनोमीटर। ऑल राइट, और यू कैन से इट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ HG और 760 टोर। अदर यूनिट्स इंक्लूड 0.1
101.325 किलो पास्कल, और यू कैन से 101.325 पास्कल, और यू कैन से 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो व्हाट इज दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? एज वी आर सेइंग, दिस प्रेशर इज व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ कंटेनर. ऑल राइट, फोर्स पर यूनिट एरिया. सो फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर. सो द यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर. एंड अगेन सॉरी, 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल. 1 bar = 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल. इट इज पार. ओके, सो 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल इज द यूनिट्स ऑफ मेजर. डू सब्सक्राइब अवर चैनल गाइज. यू शुड बी सब्सक्राइबिंग दिस चैनल बिकॉज ऑल द अपडेट्स आर ऑन दिस चैनल ओनली. जो अपडेट्स होंगे वो इसी चैनल पे आपको मिलेंगे. दैट इज वेद साइंस फाउंड. सो नेक्स्ट आर मेजरेबल प्रॉपर्टी इज टेम्परेचर. इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस एंड कैल्विन. ओके, सेल्सियस और केल्विन में मेजर किया जाता है. वी हैव सीन द कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस एंड केल्विन. था बेटा, दैट वॉज बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ ने हमें बताया था प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन. और इट कैसे प्रेशर और वॉल्यूम वेरी करते हैं इफ वी कीप द अमाउंट एंड टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस कॉन्स्टेंट. ऑल राइट, तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ प्रेशर. ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं. फर्स्ट जो लेक्चर है गैस लॉज का, अभी हम जस्ट इसको रिवाइज कर रहे हैं. तो यहाँ से जो कंक्लूजन आया था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, और यू कैन से वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. रिलेशन विद प्रेशर, दिस वॉज बॉयल्स लॉ. सेकेंड, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन आर फर्स्ट लेक्चर. ऑल राइट, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज दीज रिजल्ट ऑफ दीज गैस लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ऑल राइट, सो ऑल राइट, तो सेकेंड वॉज चार्ल्स लॉ जो हमने किया था कल. इट वॉज शोइंग अस दैट द प्रेशर एंड अमाउंट कॉन्स्टेंट फॉर एनी गैस. All right. So the result of this law was volume is directly proportional to temperature. This relation is very important that we have drawn from this Charles' law. All right. Next, what we have to do? We have done like graphical representation of Charles' law in the last lecture. Also, we have done some practice questions. So now what we have to do is, it is a time that we have to start our lecture of today, that is third gas law, which is Gay-Lussac's law. All right, it is the law which shows us the pressure temperature relationship. It shows us the relationship between pressure and temperature, volume and amount constant. All right, so what does this state? This law states that at constant volume, pressure of a fixed amount of gas varies directly. So you might be knowing about this fact that as we increase the temperature, molecule increases, and as the gases start to move randomly and they hit very frequently to the walls of container, and that apply on the walls of container, result the pressure, overall pressure. So we very well know that while increasing the temperature of any gases, kinetic energy of gas particle increases, which in turn increased pressure of that temperature. When temperature is increased to the wall very often, okay, तो ये वॉल पे बहुत ज्यादा स्ट्राइक करेंगे सारे. तो जितना ज्यादा वॉल के कंटेनर के वॉल पे गैस के पार्टिकल जाके प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर. सो वेन एवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर, प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीज. सो यू सी, यू ऑलरेडी नो दिस फिनोमिना. दिस इज नथिंग न्यू फॉर यू, बट गैलुसेक सजेस्ट द रिलेशन बिटवीन देम. ऑल राइट, तो क्या था यहाँ पे कि जैसे जैसे हम किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज पे क्या होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी गैस पार्टिकल की, जिसकी वजह से वो रैंडम मोशन में आ जाएंगे. बहुत रैंडम तो ऑलरेडी होता है, बहुत ज्यादा मोशन में आ जाएंगे. उस मोशन की वजह से जिस कंटेनर में वो गैस रखी गई थी, उस कंटेनर की वॉल्स पे बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गैस पार्टिकल जाके वॉल्स पे टकराने लगेंगे. एंड दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. सो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर प्रेशर इंक्रीज होता है. दैट मीन्स दे आर शोइंग डायरेक्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर. सो गैलिसिक ने ऑब्जर्व किया कि गैसेस जो है उनमें प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है. यहां से व्हाट वी कैन डू इज, एज वी नो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रमोट दिस प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट टर्न्स इन प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट गिव्स अ सॉरी दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन टर्न्स इन टू अ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट दैट इज के एंड टी. सो द इक्वेशन इज इक्वल टू इज पी इज इक्वल्स टू के टी विच इम्पार्ट रिजल्ट अस पी अपॉन टी इज इक्वल्स टू के विच इज एंड. सो व्हाट डज इट मीन? The ratio of P and T remains constant as they are showing in proportion, direct proportional relationship.
ओके, दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है तो इनका रेशियो भी हमेशा इक्वल होगा. व्हाट डज इट मीन? एज वी इंक्रीज द प्रेशर, टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीज. सो दोनों सेम रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो इनका रेशियो इन टर्न हमेशा सेम ही रहे. P2, ओके, P1 अपॉन P2, जो कि हमने बोला कॉन्स्टेंट रहेंगे P1 T2. गैस अगर लेते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए तो दिस विल बी द रिलेशन. P1 T1 आर द इनिशियल कंडीशन, P2 T2 आर द फाइनल कंडीशन. फाइनल कंडीशन आफ्टर वी हैव चेंज द प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन. ओके, प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज करने के बाद जो फाइनल आया दैट इज P1 P2 T2, और जो पहले कंडीशन थी देवर P1 T1. ऑल राइट, तो अब ये जो रिलेशन है यहाँ पे इसको हम ऑब्जर्व करते हैं. बिफोर दैट प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज वेद साइंस फाउंडेशन. वेद साइंस फाउंडेशन को जाके सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे. बहुत ही जल्द हो जाएगा, सारे वीडियोज वहीं पर स्ट्रीम होंगे. तो प्लीज स्टे ट्यून्ड. इफ यू आर एन ऑडियंस ऑफ 9th एंड 10th क्लास, प्लीज डू सब्सक्राइब दैट चैनल दैट. ओके, नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेल सेक्स लो. सो द ग्राफ ऑफ कोर आइसो इज सेम, जैसा कि हमने पहले भी कहा था आइसो स्टैंड फॉर सेम एंड दिस कोर इज फॉर वॉल्यूम. व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कॉन्स्टेंट देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड आइसो कोर. वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है. ग्राफ दिस इज एक्स एक्सिस जिस पर टेम्परेचर है एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ आर ग्राफ. एज यू कैन सी, पहले हम एक लाइन को ऑब्जर्व करते हैं फिर दोनों लाइन्स को ऑब्जर्व करेंगे. एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ ओरिजिन. व्हाट डज दिस मीन? जब भी हम गैस लॉज का कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो गैसेस का वॉल्यूम, एज वी नो कि टेम्परेचर अगर हम बहुत डिक्रीज भी कर देंगे कम नहीं होगा. जितनी भी गैस है उसका प्रेशर भी जीरो नहीं होगा. तो हमेशा कुछ ना कुछ गैस रहेगी और जितने भी गैस के पार्टिकल है वो प्रेशर भी अप्लाई करेंगे. तो कोई ऐसा केस नहीं है कि अगर गैस एग्जिस्ट कर रही है और उसका प्रेशर एग्जिस्ट ना करे. दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. सो यू कैन सी हियर वी आर नॉट गोइंग टू टच दिस. टेम्परेचर के साथ बनता है तो हम किस में डील करते हैं कि 0 डिग्री टेम्परेचर के बाद गैस का वॉल्यूम जीरो हो सकता है. तो सो दिस मार्शियस, क्योंकि इससे अगर नीचे जाएंगे देन वी कैन कंसिडर कि वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल हो सकती है. बट फॉर दैट टेम्परेचर शुड बी लेस देन है बट फॉर दैट टेम्परेचर शुड बी लेस देन जीरो दैट इज इन नियर एट विच गैस वॉल्यूम दैट इज -273 केल्विन. -273 डिग्री से ना भी कम टेम्परेचर का दो उसका वॉल्यूम हम जीरो नहीं कर सकते कितने पे. बट ये चीज कहाँ पे हमने कल चार्ल्स लॉ 273 एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है वहां पे मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाते हैं. और उस टाइम पे अगर हम सारे गैस मॉलिक्यूल को पास पास लाए नेग्लिजिबल कंपेयर टू द ओवरऑल वॉल्यूम. जितना उनका वॉल्यूम पहले था उसके कंपेरिजन है कि ग्राफ को टच कर दे. बट अगर जब हमारा ग्राफ है इस तरीके से बना हुआ है तो यहाँ पे हम डॉटेड लाइन शो ग्राफ है इस तरीके से बना हुआ है तो यहाँ पे हम डॉटेड लाइन शो करेंगे. ऑलराइट, अभी देखते हैं ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि एंड ऑफ द ऑन दिस ग्राफ. ओके, तो हमने कोई पॉइंट देखा लेट्स से दिस पॉइंट. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या है? दिस टेम्परेचर लेट्स से T1. ओके, एंड द प्रेशर इज P1. द मोमेंट वी इंक्रीज द टेम्परेचर टू T2, लेट्स से हम यहां से T1 से T2 गए, ठीक है, द प्रेशर ऑफ दैट. सो यू कैन सी इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज प्रेशर इज ऑल्स जो है उसमें क्या है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंटेशन है. इसीलिए इफ वी आर गोइंग टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स देन इट विल गिव अस अ स्ट्रेट लाइन. ओके, ये बात करी हमने कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की, क्योंकि दिस लॉ डील्स व्हेन प्रेशर व्हेन वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट. सेम गैस का हमने केस लिया बट वॉल्यूम थोड़ा हमने इंक्रीज कर दिया, सॉरी डिक्रीज कर दिया. पहले हमने V2 का केस देखा था, लेट्स से अब हम V1 का केस देखते हैं. एंड एज वी कैन सी हियर V2 इज मोर देन V1, दिस इज गिवन. ओके, सो फॉर दिस गिवन कंडीशन अगर हमने गैस का वॉल्यूम जो है वो हैव डिक्रीज द वॉल्यूम देन ऑल्सो दे आर गोइंग टू फॉलो दिस स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप. यही डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करेंगे बट वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि गैसेस के केस में जितना हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज करता जाता है, ठीक है भाई. तो ये दोनों का रिलेशन हो जाएगा है गैस लॉज में. तो प्लीज डू आस्क मी. बायोलॉजी जो है वो स्टार्ट है और आप एक बार वेद साइंस चैनल पे जाके चेकआउट करें. बायोलॉजी के रेगुलर लेक्चर्स जा रहे हैं, क्रैब साइकिल, रेस्पिरेशन, ये सारे लेक्चर्स है वहां पे. रोज आपका लाइव होता है 4:30 पे बायो का लेक्चर, ठीक है, 4:30 पे बायो लेक्चर लाइव होता है. टुडे इट वाज संडे तो आज होती है. और भी अगर और ये जो चैप्टर है इनको, ठीक है,
तो ये है हमारा गैस लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कंसिडर करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज, इसके बाद हमारे पास मेजरेबल प्रॉपर्टीज कितनी थी भाई? हमारे पास फोर मेजरेबल, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, सेकंड वाज वॉल्यूम, देन प्रेशर, देन टेम्परेचर। चेक करके एक एक चीज को कांस्टेंट किया। ओके, बॉयल्स लॉ में था भाई, उसमें प्रेशर कांस्टेंट, हमने क्या किया है अमाउंट को कांस्टेंट कर दिया है, बाकी सारी चीजों को वेरिएट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो कहते हैं कि गैस का अमाउंट अगर सेम रखा जाए तो बाकी की चीजें, सॉरी अमाउंट के ऊपर वर्क करना है, बाकी की चीजों को कांस्टेंट कर देना, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे क्या डील किया है अवोगैड्रोस लॉ ने? डील किया है अमाउंट के साथ, कीपिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। ओके, तो ये यहाँ पे क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हर बार हर लॉ में हमने दो चीजों को कांस्टेंट किया था, ठीक है, दो चीजों को कांस्टेंट किया था हमेशा, नंबर ऑफ मोल के साथ या तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता था, या नंबर ऑफ मोल के साथ प्रेशर कांस्टेंट होता था, या नंबर ऑफ मोल के साथ टेम्परेचर कांस्टेंट होता था। बट अभी ये जो लॉ है हो गई ना, अगर किसी चीज का अमाउंट इंक्रीज करे तो वॉल्यूम तो इंक्रीज होना ही। तो अगेन इट इज शोइंग अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन बोथ दी वेरिएबल्स। तो एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल जब सो इंक्रीज वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स, एंड दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन इज कन्वर्टेड इनटू अ कांस्टेंट व्हिच इज के एंड एन। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू के एंड एन, इसका मतलब क्या, टू के। तो जो भी चीजें डायरेक्ट रिलेटेड, जितना हम अमाउंट इंक्रीज करते जाएंगे ना बेटा, क्या वॉल्यूम चेंज, अमाउंट ज्यादा 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 वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, अमाउंट कम कर, तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब दोनों का रेशियो सेम है, तो रेशियो को कैसे कांस्टेंट। तो किसी भी गैस के केस में अगर हम बात करेंगे, वी वन अपॉन एन टू के बराबर होगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स थे पहले उसका कुछ वॉल्यूम, और अगर हमने वो नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दिए है, इंक्रीज है डिक्रीज कोई भी केस, तो वो वॉल्यूम भी हमारा, अमाउंट चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हो गया एवोगेड्रोज लॉ, जिसने हमें रिलेशन बताया वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स का। और रिलेशन क्या आया कि दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो जब हम इनका ग्राफ देखेंगे तो क्या होगा, तो जैसे ही हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कैप्ट कॉन्स्टेंट, सो एज वॉल्यूम इज इंक्रीज। बट हियर यू कैन ज्वाइन, यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे वी कैन टच द ग्राफ टू द बॉटम। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज डू, कोई डाउट है प्लीज डू आस्क बेटा, आप पूछ सकते हैं कोई डाउट्स हैं तो। ये हमने देखा कि प्रेशर और टेम्परेचर को अगर सेम रखा जाए तो अमाउंट जो है वो डायरेक्टली वेरिएट करेगा वॉल्यूम को, ठीक है। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और यहां से रिलेशन क्या आया था, वी आइडियल गैस इक्वेशन। तो हर अलग अलग लॉज क्या बताते हैं गैस के, अलग अलग लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, बेस्ट बिहेवियर फॉर गैस, कि गैस अपना बेस्ट, अपना टू बी अ परफेक्ट पर्सन, टू बी एन आइडियल पर्सन। सो उसी तरीके से गैसों, गैस ठीक है, गैसों एग्जिस्ट करती थी बट हमने डिस्कवर किया ऐसा, तो ऐसे चार लॉज बनाए गए थे। तो ऐसा, एंड देन व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशन, फाइनल आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी फाइनल हमारी, ठीक है। तो देखते हैं ये जो गैस लॉज है, हम कहते हैं आइडियल पर्सन कौन होता है, जो सारी चीजें फॉलो करता है, जो सारे काम अच्छे करता है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है, वो पढ़ाई करता है टाइम से, वो खेलता भी है, यूज नहीं करता, तो उसे ये सब बहुत सारे क्राइटेरिया बना दिए। अगर हम इन सारे क्राइटेरिया दे कि अगर आपको आइडियल स्टूडेंट बनना है, अगर आपको आइडियल बच्चा बनना है, तो आपको ये सब आना चाहिए, ये सब फॉलो, इक्वेशन भी एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें ओवरऑल कंक्लूड करके चारों लॉज को रख दिया गया है, वहां से इक्वेशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एनी गैस विच इज आइडियल।